कृष्णा मौली की प्रिवेसी में किराएदार का फोन बन गया है हड्डी. प्लीज वेलकम कृष्णा एंड मौली एज हस्बैंड एंड वाइफ एंड सुदेश एज किराएदार. सुनो कुछ मत कहना वरना सारे स्टैंड अप की एक हो जाएगी. निकल यहां से, मेरे स्टैंड अप के बाद ही तुम लोगों का क्रियाक्रम चालू होगा. अरे नहीं आना होगा तो मत आना और आना होगा तो भी मत आना. जा रही हूँ पर जब तक आप स्टैंड अप करते हो तब तक मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ. चाय बनाएगी तू मेरे लिए? मिट्टी का तेल यूज मत करना, बहुत महंगा हो गया समझी. चाय को सामने रखना, अपने मुंह से दो चार गाने सुना देना, वैसे ही खोल जाएगी वो. इतना गंदा गाती हूँ मैं? इतना गंदा गाती है? अरे तू थोड़ी बहुत ठीक लगती है समझी, वरना सोहेल भाई चार पांच चप्पल निकाल के खींच के मारते तेरे को. नहीं 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 नहीं, उस दिन तो अर्चना जी कह रही थी कि तुम बड़ा अच्छा गाती हो. बड़ा अच्छा गाती हो पता है क्यों? क्योंकि उनके पास चप्पलें नहीं होती. जा रही हूँ पत्ती से कैसे बात करती हूँ पता ही नहीं आजकल. लाइनें बोल रही है वहाँ पे. अर्चना जी अगर आज के एक्ट में आपको कुछ भी पुराना लगे तो बुरा मत मानना क्योंकि रेट्रो है ना. रेट्रो अच्छा. और वैसे भी आपको कोई हक नहीं बोलने का, आप कौन सी फ्रेश है. अरे नया क्या इस शो के अंदर, ये मौली ला कर दी हमको. बाद में पता चला ये भी 38 की है. नहीं मैं 38 की कमर की बात कर रहा हूँ. इस शो में सिर्फ दो ही आदमी फ्रेश है, मैं और सोहेल भाई, क्योंकि आज सिर्फ हम ही दोनों नहा कर आए हैं समझे. सोहेल भाई मैंने फिल्म देखी फर्स्ट डे फर्स्ट शो शोले, पापा को बोलना बहुत अच्छी लगी मुझे बसंती. लेकिन प्रॉब्लम है टिकट बहुत महंगा हो गया यार, 4 रुपए का स्टॉल, 8 रुपए की बैल्कनी. मैंने स्टॉल की टिकट ले ली, लंबी बीवी है ना उसके कंधे पर चढ़कर बैल्कनी का मजा लिया मैं. इतना मजा लिया, इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया था सर मैं, जब रामगढ़ का सीन आया ना तो पहाड़ के पीछे गब्बर के अड्डे पर क्या चल रहा है मैंने सब कुछ झांक कर बता दिया गांव वाले. खैर महंगाई इतनी होगी, मैंने सोचा यार ये किराएदार एक रखूं बढ़ोतरी, घर चले मेरा. और अर्चना जी पूरे मोहल्ले में देखो सिर्फ मेरे घर पे टेलीफोन है. खैर मेरी बीवी कहां चली गई यार, चाय बनाने के लिए गई थी पनवती, सॉरी पार्वती. जी वो मैं चाय तो बनाने गई थी पर फिर ना थोड़ा सा मूड बन गया तो आपके लिए गरम गरम दूध लाई हूँ. दूध? हट, तेरे को मालूम है ना मेरे को दूध से एलर्जी है. एलर्जी है पता है. पता है? हाँ. तेरे को पता है इस शो में कॉमेडी होती है? हाँ. तो फिर करती क्यों नहीं बैठू. चल भाई डायलॉग को ढंग से बोलती नहीं, 3-4 एपिसोड मजे तो ले. हाँ जी कैसे हैं गुप्ता साहब? ये गुप्ता जी नहीं है पर डीन डॉल से तो यही लग रही है. कमाल आपको क्यों गुस्सा आ गया भाभी जी? भाभी जी साले. अरे मैं गुप्ता जी, वो मेरी मिसिज है मिसिज गुप्ता. नहीं अब ठीक है, आप पहले आप उल्टा पुल्टा खड़े मेरे को पता नहीं चला. यार आप कौन है? मैं मिस्टर दुग्गल साहब. क्या करने आए इधर? मेरे को पता चला था यहाँ पे कोई गरीब लोग रहते हैं, उनको कमरा किराए पे देना है, मेरे को लेना है. अच्छा अच्छा सर जी किराए के लिए आए आप. नमस्कार नमस्कार. बताइए सर कितना खर्चा कर सकते हैं आप किराए के लिए? देखो पहले तो मैंने सोचा था कि 20 रुपए महीना दूंगा आप. अच्छा. लेकिन अब तो 30 भी दे देंगे. क्या वसूल कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. अबे क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं नहीं नहीं. खैर हमारे घर में फैसिलिटीज बहुत है सर. सर फैसिलिटी में आपको सेपरेट बाथरूम भी मिलेगा. पहले बेड़ा गर कर दिया, इतनी अच्छी मालकिन हो और सेपरेट बाथरूम में मैं क्या करूंगा? देखो मैं ऊंच नीच में नहीं पड़ता, हम एक ही बाल्टी में तीनों नहाएंगे. चलेगा चलेगा. और कोई फैसिलिटीज चाहिए आपको? और बस सुबह सुबह भाभी जी के हाथों की बेटी मिल जाए बस. बेटी मिल जाएगी लेकिन एक मेरी शर्त है. क्या? बेटी बनाने के लिए सुबह मेरे बेड से उठ के जाए. क्या बकवास कर रहे हैं आप? सॉरी सॉरी ठीक है टी कैंसल. हाँ लेकिन उठ के सिवा मेरे बेड से जाए. काम करने दे देंगे तेरे को, साड़ी भी लेनी है ना उधर से. हाँ सर जी तो घर आपके लिए रेडी रहेगा, आप कल सामान लेकर आ जाना. कल नहीं मैं तो अभी लेके आया हूँ.
नहीं आप समझते नहीं, एक्ट आज है सामान कल लेके आऊंगा, अपना सामान लेके घूम रहे हम अपना साथी लेके आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, अपने घर जा रहा हूँ मैं, कभी कभी मिलेंगे आपको मोहल्ले में। चलो किराएदार तो मिल गया, खैर। हेलो हेलो, हाँ जी दुग्गल साहब, वाह वाह मजा आ गया, मैंने सुना यहाँ किराए पे कमरा लिया, फुलझड़ी रहती सुंदर सी वहाँ। साले मैं उसी फुलझड़ी का अनार, मेरा मतलब अब उसका पति हूँ मैं। सॉरी सॉरी सॉरी, बहन जी को फुलझड़ी जी को नमस्ते कहना, जरा दुग्गल साहब को बुला देंगे। अबे रात के दो बजे, रात के दो बजे कोई फोन करता है क्या? दुग्गल साहब को बुला, हट। ओए ओए फोन उठा, फोन उठा कमीना, ये क्या मतलब, वो फोन रख दिया, फोन उठा, बात करनी है, फोन उठा। हेलो हेलो, हाँ दुग्गल साहब को बुला दो जरा। अबे इतनी रात को क्या काम है यार तुमको उनसे? अरे जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? उनको हाय हेलो बोलनी। साले हाय हेलो सुबह बोलना तू। अरे सुबह अपने काम जरूरी करेंगे कि फजूल की हाय हेलो बोलेंगे? अच्छा आप दो मिनट में फोन करिए यार, मैं बुलाता हूँ दुग्गल साहब को। ओके दो मिनट की बात है, टेंशन मत लेना। दुग्गल साहब, दुग्गल साहब, हाँ दुग्गल साहब फोन है, तुम रख लो। मेरी माँ का साले है, रख लो नहीं कॉल आई है कॉल। कैसे कौन, किसने किया मूंछों वाला क्लीन शेव, कौन है वो? अबे फोन पे आदमी दिखता थोड़ी है यार, तुम क्या बकवास कर रहे हो? नहीं दिखता, एक मिनट बताता हूँ तेरे को। डार्लिंग इज कमिंग एट होम, कैसा मालिक रखा है मैंने, एक मिनट। हेलो, हाँ दिख रहा हूँ कि नहीं फोन पे बात करता, दिख रहा हूँ कि नहीं? अरे पता नहीं किसी चिरकुटिया का फोन आया था, बोला दो मिनट में फोन करूंगा, गांव से फोन था आपका। वेट कर लेते हैं हम, भागे थोड़ी जा रहे। सुनो तमीज से बात करो, तुम्हें अक्ल चाहिए ये? बात करनी है। ये क्या कर रहा है तू? बाजू बैठो, बाजू बैठो, उसको बोलो बाजू सही रखो, नंगे बाजू रख के बैठ जाती है। मेरा क्या, सबका दिल करता है। अबे ओए, रात को दो बजे किसका फोन आया तुमको ये नहीं पता? किसका फोन आया? एक मिनट, मेरे पास डायरी है, 25-30 नंबर लिखे हैं रिश्तेदारों के, किसी का जरूर होगा, देखता हूँ। हेलो राम प्रकाश, कैसा है? बढ़िया। तूने फोन किया था इधर? नहीं तो कर लिया कर यार। नहीं नहीं प्रॉब्लम क्या है? नो 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 यार, इतना तू पागल है, बात कर रहा हूँ उसको बेचारी को तंग कर रहे। हेलो नहीं किया, चल देखता हूँ तो पता नहीं किसने किया। हेलो हाँ जी सिंह साहब, देहरादून वाले, हाँ जी कैसे हो? अच्छा बिटिया हुई है, हंसते हंसते पैदा हुई है, वाह वाह, ये देखना कॉमेडी सर्कस बनेगा कुछ सालों बाद, हिट हो जाएगी जज। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं कोई नहीं। अरे किसने फोन किया होगा, दिमाग खराब कर। वेरी गुड डार्लिंग, ये हुई ना बात, काम तमाम हो गया, अब हम ये घर भी हमारा और तुम भी हमारी, काम तमाम कर दीजिए। अर्चना जी, सोहेल जी, सानी दबा तेरी माँ का साकी ना का। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.